दोस्तों आजकल फिल्मों के साथ साथ छोटे पर्दे के मेकर्स भी किसिंग सीन्स को लेकर काफी ज्यादा ओपन हो रही हैं। जो आज सीरियल्स में किसिंग और बोल्ड सीन्स डालने के पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि पीछे की वजह ढेर सारी पब्लिसिटी और लाइमलाइट होती है। इन्हीं के कारण शो को काफी ज्यादा टीआरपी भी मिल जाती है। और बस यही वजह है कि टीवी इंडस्ट्री में भी कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो अपने काम को बचाने के लिए किसिंग सीन्स तक देने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस शामिल हैं जो शोज में किसिंग सीन्स नहीं करती हैं। उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए ऐसे सीन्स को नहीं किया है और हमेशा ही जब उन्हें ऐसे सीन्स के ऑफर्स होते हैं तो वो सीधा ही मना कर देती हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही चुनिंदा एक्ट्रेसेस से रूबरू करवाने वाले हैं जो टीवी शोज में किसिंग सीन देने से मना कर चुकी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी हैं वो एक्ट्रेसेस। नंबर एक, दृष्टि धामी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री दृष्टि धामी का, जिन्होंने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक सफल सीरियल्स और शोज दिए हैं, जिनमें अधिकतर शोज रोमांटिक थीम पर ही बेस्ड होते हैं। और इसी के चलते एक शो के दौरान मेकर्स ने इनसे किसिंग सीन देने के लिए कहा था, लेकिन दृष्टि ने उन डायरेक्टर को तुरंत मना कर दिया, जबकि मेकर्स इन्हें इसके लिए काफी अच्छी खासी रकम भी दे रहे थे। लेकिन दृष्टि धामी ने मेकर्स को ये कहते हुए मना कर दिया कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं और इसी के लिए चलते वो बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार को एक्टिंग करियर चुनने पर कन्विंस कर चुकी हैं और इसीलिए अब ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहती हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली को दुख पहुंचे। नंबर दो, कृतिका सेंगर। अब इस लिस्ट में कृतिका सेंगर का भी नाम शुमार है, जिन्होंने कभी छोटे कपड़े तक नहीं पहने, तो किसिंग सीन्स देने के बारे में तो क्या ये सोच भी नहीं सकती है। इसीलिए बार बार जब भी इन्हें किसिंग सीन्स ऑफर किए गए हैं तब तब इन्होंने मना कर दिया है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब कसम तेरे प्यार के शो में इन्हें अपने को स्टार शरद मल्होत्रा के साथ भी किसिंग सीन्स देने के लिए कहा गया था तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। इनके ऐसे सीन्स ना करने के पीछे की वजह पहली तो ये है कि इन्हें ऐसे सीन्स देना ही बिल्कुल पसंद नहीं है और दूसरी यही कि साथ ही इनके पति निकेतन धीर को इनका ऑन स्क्रीन पर ऐसे सीन्स देना पसंद नहीं है और ये अपने पति का काफ़ी ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट करती हैं, इसीलिए ये कभी भी ऑन स्क्रीन पर किसिंग सीन्स नहीं करती हैं। नंबर तीन, दीपिका कक्कर। अब इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री दीपिका कक्कर का भी शुमार है, जिन्हें अक्सर टीवी पर बड़ी ही सादगी और शालीनता भरे अंदाज में देखा जाता है। और दीपिका कक्कर पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी में भी ज़्यादा सादगी भरी जिंदगी ही जीना पसंद करती हैं। ये बात तो हर कोई जानता है और यही वजह भी है इनके फैंस की इनकी इसी खूबी के लिए इन्हें ज़्यादा पसंद भी करते हैं, जिसके चलते ही किसिंग सीन देकर अपनी इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती हैं। नंबर चार, सनाया ईरानी। अब इस लिस्ट में एक नाम सनाया ईरानी का भी शामिल है, जिन्हें आज एक्टिंग को अपनाए हुए करीब 9 साल हो चुके हैं और इन बीते 9 सालों में इन्हें कई एक्टिंग के ऑफर्स भी आए हैं, जहां एक बार जब इन्हें किसिंग सीन देने के लिए कहा गया तो इन्होंने किसिंग सीन देने से साफ साफ मना कर दिया था और इन्होंने ये कह दिया था कि ऐसे भी किसी सीन्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं और इसी के चलते इस लिस्ट में अपना नाम ये शुमार कर लेती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन एक्ट्रेसेस का किसिंग सीन देने का फैसला सही है या गलत? आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और मसालेदार खबरों को जानने पाने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।